हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ कैंटिलीवर बीम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम का। फ्रेंड्स, कैंटिलीवर बीम के इस सीरीज में आज का जो ये वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है। दो और हमने वीडियो बना चुके हैं, दो अलग अलग टाइप्स के। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के, आप उसे जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर कैंटिलीवर बीम का हम सारा लगभग जितने टाइप्स हो सकते हैं सभी टाइप्स के हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूडीएल ओवर द एंटायर स्पैन। एंटायर स्पैन पर, यानी कि जो आपका कैंटिलीवर बीम होगा उस पर यूडीएल का आज एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ किए। कैंटिलीवर बीम ऐसा बीम कहलाता है जिसमें एक पार्ट वो फिक्स इंड सपोर्ट रहेगा, जैसे इसको मानते हैं पॉइंट ए, और दूसरा जो इंड है वो फ्री रहता है। ठीक है, तो इसको मानते हैं पॉइंट बी। इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था इस पर पॉइंट लोड के बारे में। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे यूडीएल के बारे में। यूडीएल मतलब हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर इसको रेक्टेंगुलर लोड के नाम से भी जानते हैं, रेक्टेंगुलर लोड। और रेक्टेंगुलर लोड कैसा होता है? UDL तो आप जानते थे कुछ इस तरह का UDL होता है। ठीक है, तो W किलो न्यूटन पर मीटर का मानते हैं कि यहाँ पर UDL लगा होगा। आपके पास में W की जगह कोई भी वैल्यू से अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ W की जगह उस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्यूशन इसी तरह से करेंगे जिस तरह से अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस लोड को कहा जाता है रेक्टेंगुलर लोड। रेक्टेंगल लोड का मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगल कुछ इस तरह से भी दिखेगा। देखिए, इस तरह से भी ये दिखता है, यानी कि इस पर कुछ इस तरह से लोडिंग की रहती है। तो इसका मतलब ही होता है क्या कि ये भी ये यूडीएल लोड ही है। ठीक है, और इसका सीजी कितना होता था? जितना लेंथ होगा डिवाइड बाई टू हो जाता है, ये इसका सीजी हो जाता है। तो इसको हम लोग यूडीएल को रेक्टेंगुलर लोड के नाम से भी जानते हैं। इसका डिस्टेंस हम मानते हैं कि यहाँ पर टोटल लेंथ जो है बीम का वो एल लेंथ है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या क्या कैलकुलेट करना है? एसएफडी और बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। अगर पॉइंट ए मानते हैं तो इसको नाम दे देते हैं हम आर ए। यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, बी पॉइंट पर कोई सपोर्ट नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम जानते हैं रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है? तो आर ए। आर ए के जगह आर ए हमने लिख लिया टोटल अपवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है? तो डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर। एक मीटर पर डब्लू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो हमारे पास में एल मीटर टोटल डिस्टेंस है। एक मीटर डिस्टेंस पर डब्लू किलो न्यूटन लोड लग रहा है तो एल मीटर डिस्टेंस पर कितना लोड लगेगा? तो डब्लू इंटू एल, तो हो जाएगा टोटल हमारे पास में डाउनवर्ड लोड। तो आर ए का वैल्यू आ गया हमारे पास में कितना? डब्लू इंटू एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, रिएक्शन की वैल्यू होगी आर ए बराबर डब्ल्यू इंटू एल। अब हमको शियर फोर्स निकालना होगा। रिएक्शन जब कैलकुलेट कर लिया तो हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना होगा। शियर फोर्स होता है क्या? समेशन ऑफ फोर्स। शियर फोर्स का मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का समेशन करना। और बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लोड और डिस्टेंस। लोड और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसका समेशन होता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो शियर फोर्स हम कहाँ कहाँ निकालेंगे? पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए पर कितना फोर्स लग रहा है? पॉइंट ए पर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? देखिए, शियर फोर्स एट ए, तो जितना हमारे पास में आर ए की वैल्यू है वही लगेगा क्या? शियर फोर्स एट पॉइंट ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर ए की वैल्यू, तो हो जाएगा कितना? डब्ल्यू इंटू एल। तो शियर फोर्स आपका हो जाएगा पॉइंट ए पे इतना। अगर पूछे शियर फोर्स एट पॉइंट बी क्या होगा, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी आपका हो जाएगा कितना? तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास में डिस्टेंस नहीं बचेगा, यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो वहाँ पर सपोर्ट नहीं, तो यहाँ पर कोई, वहाँ पर रिएक्शन अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर कोई शियर फोर्स नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है क्या कि समेशन ऑफ लोड इंटू डिस्टेंस। तो लोड इंटू डिस्टेंस है, और लोड इंटू डिस्टेंस का मतलब क्या? लोड हमारे पास कितना है? डब्ल्यू किलो न्यूटन का है, एक मीटर पर है ना। अगर हम यहाँ से कोई सेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक्स एक्स डैश सेक्शन कंसीडर करते हैं जिसका डिस्टेंस यहाँ से हम एक्स मीटर का मान लें, तो पूछेंगे बताइए एक्स मीटर डिस्टेंस पर कितना यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट,
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालेंगे तो यहाँ पर फ्रींड है, फ्रींड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं और आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि फ्रींड पर कोई भी लोड रेसिस्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालेंगे किस तरह से, जितना लोड है, लोड कितना है W, लोड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना बेंडिंग मोमेंट, तो बी से चल रहे हैं तो हम कितना डिस्टेंस है एल, इनटू में एल हो गया तो लोड इनटू डिस्टेंस हो गया, इनटू में इसका सीजी मल्टीप्लाई करेंगे, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये यूडीएल लोड जो होता है रेक्टेंगल लोड होता है और रेक्टेंगल का सीजी होता है इसके जितना डिस्टेंस है डिस्टेंस बाई टू पे, तो एल एल लेंथ है इसका तो इसका सीजी आ जाएगा एल बाई टू, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट एट ए। और बेंडिंग मोमेंट एट बी की बात कर ले तो कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर कोई भी नहीं है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जीरो रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, कोई डिस्टेंस यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए कोई भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। जब ये चीज़ें कैलकुलेट हो गई, जब ये चीज़ें कैलकुलेट हो गई तब क्या करना है, अब आपको इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे ताकि हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा थर्ड वीडियो है इसलिए यहां पर थ्री लिखा हुआ आया। एसएफडी और बेंडिंग मोमेंट बीएमडी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ बीम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिया हुआ बीम को ड्रॉ करेंगे जो कैंटिलीवर बीम हमारे पास में है, तो दिया हुआ बीम हमारा कैंटिलीवर था, इस पर हमारे पास में लोड लगे हुए थे, एल मीटर डिस्टेंस यहाँ पर इसका दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के लिए क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो हमारे पास में वैल्यू आया था वो वैल्यू को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि वैल्यू कितना आ रखा था, तो डब्ल्यू एल, और जब भी यूडीएल लोडिंग हो तो ये ट्रेंगुलर शेप बनता है। अब चूंकि ये पॉजिटिव में था इसलिए ट्रेंगल हमारा कहाँ बना, तो ट्रेंगल बना पॉजिटिव में ऊपर डायरेक्शन में, अगर डाउनवर्ड आते तो यहाँ पर नेगेटिव बनता जो कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, यानी ए पॉइंट पर डब्ल्यू एल का हमारे पास में ऑर्डिनेट मिलता है और बी पॉइंट पर हमारा जीरो ऑर्डिनेट मिलता है। तो इस तरह से इसका हम शियर फोर्स बना सकते हैं जो कि ये साइन जो होगा ये पॉजिटिव का होगा। इसका हम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ से ये कर्व है, ये जो बनता है ये पाराबोला है। ठीक है, ये हमारा कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन इसको नहीं बनाएंगे, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखने में कुछ स्ट्रेट लाइन लग रहा था और ये टोटल नेगेटिव बनता है। इसका जो वैल्यू होता है ये आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, कहाँ, पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट बी पर जीरो था। तो ये वैल्यू था आपका शियर फोर्स डायग्राम, इसका बनेगा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए यूटीएल लोड में सिंपली सपोर्टेड बीम का भी आपने बनाया होगा, तो उसमें ट्रायंगल बनेगा आपका एसएफडी और पाराबोला, इसका लिख लेंगे पाराबोला, पाराबोला बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और एसएफडी जो बनता है ट्रायंगुलर बनता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्यूबिक पाराबोला कभी भी आंसर नहीं करेंगे इसका, ये पाराबोला में आपका आंसर होता है। तो ये थे आपके आज के क्लास का ये एक वीडियो जो कि आपका ये कैंटिलीवर बीम पर जब यूडीएल कैरी कर रहा हो, यहाँ पॉइंट ए ले लेंगे, यहाँ पॉइंट बी ले लेंगे, तो इस तरह से ये चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका परेशानी हम आपको दूर करेंगे, और अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, हम आपका क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।